गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू डिस्कवर एकम। आज जिस बात का डिस्कशन श्री कृष्ण वर्सेस 19-20-21 में करते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, तो अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म कर। अनासक्त हुआ, अनासक्त पूर्वक निरंतर कर्म कर, अनासक्ति से आचरण कर। क्यों? क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त करता है। वर्स 19 के अंदर श्री कृष्ण इस बात को साइंटिफिकली प्रूव कर। हम सब कर्म से भाग नहीं सकते, जन्म और कर्म एक साथ साथ जुड़े हुए, लेकिन किस प्रकार का कर्म सन्यास का रूप लेता है उसकी बात श्री कृष्ण ने पहली बार डिटेल में करी। वर्स छोटा सा है, बात बहुत नहीं है। एक्चुअली श्री कृष्ण ने हम सबको एक नया शब्द दिया है जो कि शायद इंग्लिश में तो प्रेजेंट ही नहीं। इंग्लिश में आसक्ति और विरक्ति प्रेजेंट है, अटैचमेंट डिटैचमेंट प्रेजेंट है। अनासक्ति शब्द का कोई इंग्लिश मीनिंग है ही शब्दार्थ भी नहीं। और जिन जिन बातों के पीछे शब्द खो जाते हैं, जिन बातों में शब्द खो जाते हैं, वहीं पर स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। क्योंकि मुक्ति तो तभी मिलेगी जब इधर होते हुए तुम्हारे कर्मों से संसार के साथ कर्म करते हुए उसका मंगल करो। यही वास्तविकता में मोक्ष है।